अपन बोले थे कि पेट है तो मैं आपको नहीं बोला था। एक बात सबको बोलती हूँ, ये पहले चल रहा था कि पेट्स नहीं है रॉबर्ट, लेकिन अब तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि पेट्स तो किसके पास नहीं है। इधर भी नहीं कहते, मैं उधर उसको अलग से पिंजरे में रखते हैं, ध्यान रखता हूँ पिंजरे में रखते हैं। बाहर निकालने की बात करें तो हम लोग ही बाहर चले जाते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going out on a trip because today is Nikhil's birthday. Shoes रखे हुए हैं घर पे पहुंचाने के लिए, सब जिम के shoes हैं। A few moments later. तो और निशानी ये रही सब याद करके, आज ही देखा बर्थडे में लिफाफा सबके दे रहे। लेकिन दो बार कैसे दी? लेकिन पता नहीं भाभी। हां, रिकॉर्डिंग नहीं बाहर तो रख ले ना लिफाफा। हां, आयनवा कलर के दे लो भाई। वाह क्या बात है निखिल, 07 क्यों? भैया का जर्सी का नंबर है ना। हम लोग ने बहुत वेट लॉस किया, सबका पेट अंदर है, केक मत खिलाना ना। बस बस बस, पीठ तो हर फाइल लगी है ना, अभी तक पते ना रहा तो कहीं नीचे। घोड़ा काट उन लोगों में खिलाने का है यार बंटी। मैं सबके फ्रेम में ये बचा था। हाँ पीछे कहा नहीं है जीजू, हम लोग देखे नहीं जीजू में। ये लो जीजू, छोटा ले लो छोटा, मेरा मुंह है छोटा, इतना तो जरूरी है। अरे राम राम, और यो नहीं, और यो नहीं, देखाओ देखाओ अगर मैं हर्ष किया, हर्ष 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 और पानी नहीं आ रहा है, मुझे कंटेंट मिल गया, देख लेंगे वहां लड़ेंगे। अरे ये था ये मुझे मैं खाऊंगा वो, मैं खाऊंगा ये बाहर। अरे अरे अरे, द नेक्स्ट डे निखिल क्या हुआ, पिएगा? आ कॉफी पिएगा? नहीं नहीं, ए एक्स्ट्रा है। हां हां, इधर दो कॉफी। हां नया नहीं पिएगी, नया अच्छा है, पी लो। मैं टाइप करूं ठंडा है क्या? क्या है ये मड पाए? मड पाए ब्लॉग में आ रहे हो, देखो अच्छा तो पानी पाए। प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। अरे ला नेहा को चाहिए था पानी था, लेके आओ निखिल, लेके आओ नेहा को। पागल हो, अभी मार खाएगा ऐसा ना वीडियो। आप उतरू क्या? अरे वो बचा रहा है, वो बचा नेहा को दे दो। Guys, we are on the expressway, Mumbai Pune expressway, और हम लोग जा रहे हैं लोनावला because निखिल का बर्थडे कल था, तो आज हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं विला में। और हम लोग ने निखिल के साथ एक छोटा सा प्रैंक भी किया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी, लेकिन वैसे मैं शॉर्ट पर अपलोड करने वाली हूँ। वेदर कैसा लोनावला? सुपर मानसून में तो सुपर बढ़िया। प्लान तो कल रात का था, हम अपने एरिया का लैप्स मार रहे बार बार। हेलो निखिल, उससे बात किया विला वाले से? हाँ हाँ किया। बोली बोली आ जाओ आ जाओ।
बोलो तू चल, उसको बोलो तू चल मैं आई। अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई आ रहा हूँ इधर, मैं इतना मत अब कांच नीचे करो, अभी आता हूँ स्टोरी लेने, थोड़ा मजा आवे। स्टोरी ले लू क्या? मैं भी फिर लो लो वीडियो चालू, हम लोग को तो बहुत मजा आता है, क्या बताऊं। इतना बड़ा ये सुन भी रहा है वो भी तो क्या जानवर लाई है रे बाबा, उधर लेके भागा उधर उधर खा रहा है। और ये तुझे देख के क्या चिल्लाने लगा वो ना, कर 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 खाने का प्लान है इन लोग का। उसको लगा ये लोग ने हम लोग के ऊपर ट्रैप बिछा है ना। इधर लंगूर लंगूर किधर बाबा आगे ट्रेन दिखा नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही, तो फॉगी पूरा क्लाउड है ये सब, नथिंग टू सी। यहाँ से ट्रेन जाता है ना? ट्रेन जा ही नहीं है देखो। अभी ये अच्छा किया ना, रॉक्स पर इन्होंने वो कर दिया, नहीं नेट नहीं और वो ड्रिलिंग भी हुआ है ना, ताकि लैंडस्लाइड ना हो वगैरह ना, ऑल आउट अच्छा किया। हाँ ये सबसे बड़ी वाटरफॉल है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ओरियो है, ओरियो ओरियो को देख के जो बंदर ने चिल्लाया है ना, मैं क्या ही बोलूं। और यो कैसे तुझे देख के वो चिड़ गया। इधर काफी चेकिंग हो रही है, आज सैटरडे है, ये लो लिकर जिंक, लिकर चेकिंग चालू है। अरे वो निखिल दिखा नहीं, आगे का आगे निखिल को लोग ने चेक कर दे तो बोला कि काय नहीं दादा, हमें खूब सोबर आए, तो वी आर गोइंग ऑन द वे। सो गाइस वी हैव अराइव्ड, और पहुंचते पहुंचते इतनी बारिश हो रही है कि पूछो ही मत। हम लोग को पता नहीं कौन सा विला है, यहाँ पे काफी सारे विलाज है। विला तो पहुंच गए हैं, बट बहुत तेज बारिश हो रही है। कल रात से मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है। ये लोग तो सोए थे, कल रात से निकले हुए हैं, अब जाके पहुंचे। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग अभी सुबह निकले। तो ये है हमारी विला, और हॉल देख के तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे प्राइस में हमको मिल गया इस बार ना। अदरवाइज सैटरडे संडे मॉनसून सीजन प्लस लोनावला, हाँ मॉनसून सीजन प्लस लोनावला प्लस सैटरडे संडे, तो मिनिमम 35,000 40,000 थ्री BHK 30,000 में ऐसे मिल जाता है। बट मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगी कि हमको ये कितने में मिला। तू क्या बीच में बोल रहा है, बोल बोल बोल। आपने को बहुत मिस किया। हाँ डॉग अलाउड नहीं, पेट तो हम लोग लेके आते हैं, यहाँ भी मिला माए ये वाले मिला में। तो अभी एडजस्ट कर लो ना, अभी तो आ ही गए। कुछ गंदा नहीं करेगा भाई, हम लोग के घर में बेडरूम में रहता साथ में, अब बड़ा कुत्ता भी नहीं है क्या, छोटा है उसके बाल गिरते हैं ना, बस होता है नहीं होता भाई। हम लोग को मालूम है, एक ही बार आया था हम लोग को मालूम, एक्सपीरियंस है। तो कैसा वो वाला कौन सा लंबे बोलना मतलब कि पेट पेट एक्चुअली किधर, नहीं पेट आने वाला नहीं था, अरे बाजू में मेरा ही बंगलो भाई, ये वाले में क्लीनर को काम करो उसको, इधर ही भी बांध के रखा था, बांध के भाई वो इंसानों ऐसा बच्चे ऐसा रखता, उसको बांध के रखो तो थोड़ी चलेगा यार।
मैं अपना क्लीनर से मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं उसको बोल दूंगा क्लीन कर देगा तुम्हारा। हम लोग खुद क्लीनिंग करते हैं, हम लोग को मालूम क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हॉल में रखेंगे ना, अभी इधर नीचे तो नहीं रख सकते ना कि इधर बांध के रखो, बांध के कभी रखा ही नहीं। मेरे पास भी पेट है, आपका भी है ना। आप पेट है तो मैं आपको ला ही बोला था। एक साथ सबको बोलती हूँ, ये पहले चल रहा था कि पेट्स नहीं है रॉबर्ट, लेकिन अब तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि पेट्स तो किसके पास नहीं है। तो मुझे भी आपके खुद के पास है, मेरे पास नहीं। हम लोग इधर भी नहीं कहते, मैं उधर उसको अलग से पिंजरे में रखता हूं, ध्यान रखता हूं पिंजरे में रखता हूं। या पिंजरे कौन सा कुत्ता है भाई, जो मुझे पता है। अच्छा आपने खाली उसके लिए रखा है, अपने जेबटी के लिए या हम लोग बोल रहा हूँ हॉल में रखना, उससे ज्यादा किधर रखो, बारिश में रखो उसको। आप यार बारिश में बोल रहा हूँ, बोल रहा बारिश नहीं। इतना बात करने के बाद, समझाने के बाद फिर भी वो बोल रहे थे आप बाहर रखो, यहाँ बांध के रखो, उधर मत चढ़ने दो। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा पिस्ड हो गए थे। अब उनका पास्ट में बैड एक्सपीरियंस था, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सभी को उसी नजर से देखो। तो ये चीज हमें बहुत गंदी लगी। फिर हमने सोचा एक बार पहले इनका रूम्स ही देख लेते, इतना वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो नो डाउट इनके रूम्स काफी अच्छे थे। बट या वी हैड टू फेस द सिचुएशन। अगर ओरियो को मना करेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम भी घर चले जाएंगे। नहीं आपको हम लोग समझ सकते हैं, बट हम लोग कहाँ से आ रहे हैं आप भी वो समझ सकते हो ना कि अपने पेट को कैसे एक जगह बांध के रख सकते हैं। A few moments later, ओरियो की वजह से हमने ये विला को सैक्रिफाइस कर दिया। ओरियो की वजह से नहीं, एक्चुअली उनका कुछ बैड एक्सपीरियंस था पास में, तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू मतलब रेस्ट्रिक्ट आवर पेट कि हम उसको नहीं भाई तू एक ही जगह पे रहे, तो हम लोग अपना प्रिकॉशन लेके तो रख रहे हैं और उनके मर्जी से। तो यस चलो वी आर शिफ्टिंग टू आवर विला। आई एम शॉक्ड बिकॉज अभी भी लोग इतना पेट्स को लेकर ये करते हैं। उसके खुद के पास पेट है, हाँ बोल रहा बारिश में बांध दो, ये कर दो वो कर दो, ये थोड़ा शॉकिंग लगा मेरे को। सो गाइस वी आर बैक टू आवर फ्रेंड्स विला, आवर फेवरेट विला। काफी शॉकिंग लगा मुझे क्योंकि उनके पास खुद पेट है। आई नो उनका बैड एक्सपीरियंस था बट हमारा पेट इतना अच्छा है। नहीं अच्छा बुरे की बात नहीं, सबके पैसे अच्छे होते हैं, उन्होंने ट्रेन नहीं किया होगा मे बी, या फिर पेट कभी चिढ़ जाते हैं अगर उनके ओनर अकेला छोड़ देते, बहुत सारे रीजंस हैं। कैसे हो? उसके बाद फाइनली हम लोग अपने फ्रेंड के विला पर आए और यहाँ जाकर हम लोग ने रिलैक्स किया। वी वर वेरी टायर्ड। ये मौसम और ये रही हमारी मैगी, सो यमी। क्या सुपर मौसम है। शाम में बहुत ही अच्छा नाश्ता किया हमने, मैगी कॉर्न भुट्टा, बहुत मजा आया, बहुत ही मजेदार शाम था। बारिश का मौसम, ये टेक थ्री है गाइस, और भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और होता है। छोड़ो यहाँ पे हम नमक लगा के बिना नमक ये देखो बिना नमक के भुट्टा खा रहे हैं। फास्ट फास्ट खा रहे हैं। ओरियो कह रहा कभी भी मालिक का सटक सकते हैं, हटा सकते हैं। ये चाट रहा है, ये खा नहीं रहा है। खा रहा है वो, दांत से भी खा रहा है। उसके दांतों पे कुछ नहीं चाट रहा है, दांत से काट। अब देखो बोला ना, ये तो थोड़ी देर में नोटिस होता है। मस्ती कर A few moments later. मजा आ गया प्रैंक करके। अभी हम लोग जा रहे हैं ढाबा गाइस, अभी इन लोग का मूड ऑफ है। ये लोग बहुत डिस्कशन कर रहे थे, ऐसा बोल रही है वो, वैसा बोल रही है वो, ऐसा हुआ। लेकिन हर्ष ने बोला गुस्सा तुम्हारे पर निकल भाई ना यार, ज्यादा ही हो रहा है। ये देखो चारों कैसे बैठे और दो जन पीछे और हम लोग आगे।
प्रैंक के चक्कर में काफी लेट हो गया, मतलब अब लगता है खाना भी नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इट्स माय फॉल्ट, बट आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं। खाने के टाइम पे प्रैंक, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। ये तो कार का स्मेल है, इन लोगों ने परफ्यूम सब लगा के रखा है। मैं वैसे आया इसीलिए बोला मैंने, तुमने परफ्यूम मारा था क्या? एकदम 100% नहीं बोला मैंने, परफ्यूम ही था वो, रेडबुल ही था, रेडबुल का स्मेल थोड़ा वैसा आता है। और ये हर्ष तो पता नहीं, मतलब थोड़ा बियर जैसा आ रहा था मेरे को उसमें, है ना? तेरे को मालूम है बियर कैसा है? लेकिन तू तो स्ट्रांग स्मेल आ रहा है। जब ये आया ना तो बोला अर्ज तू ऊपर जा, तो अर्ज एक बार उठा जाने के फिर बैठ गया। मैं तो रेडी हो गया, इसलिए बोला क्योंकि जीजू आया ना, बोला कि अरे अब सब लोग जाओ, अब हम लोग समझाएंगे। ये उठ ही नहीं रहा है, ये सब जान रहे हैं। तो मेरे को क्या बोलता है, बोला अरे ऐसा क्या के लिए हो रहा है? तो ये क्या बोलता है, बोलता है कि अरे दीदी को टेंशन वेंशन आ गया, एकदम मच्छा। तो इसके मजे कर रहे हैं गाइस, प्रैंक से बाहर आओ, मैंने कर चुकी है, तुम लोग को बस हो गया। रंगत रंगत फैमिली रेस्टोरेंट। दिस इज मशरूम, बीट रूट एंड पनीर। लेकिन क्यों प्रैंक क्यों किया आखिर? क्यों यार, शट अप, प्रैंक खत्म, खराब हो गया। हुआ क्यों हर्ष, तू तो ऊपर जा। हर्ष को खा, हर्ष का खाना नहीं गया, हर्ष को ऊपर जा। अब सोने के लिए कोई हर्ष को अपने रूम में नहीं लेता है, आखिर क्यों? गाइस डिनर हो गया हमारा, ये भी बात हर्ष के साथ चली, ये भी राज उसी के साथ चली। गाइस इट्स फॉगी नाउ, अभी हल्दी अपने इधर होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, पूरा फॉग हो गया ना, अभी रात के 1 बज रहे हैं। हमें उतर, अभी हम लोग प्रैंक की बातें कर रहे थे, वैसे प्रैंक में जो हंसी आ रहा, प्रैंक की बातें हो रही हैं। हम इधर उतर दे, थोड़ा उतर। हां अरे चलो आ गए लोग, अरे नया उल्टी हो रहा है क्या? अबे तुम लोग मेरे पे प्रैंक कर रहे हो? और बार मैं चलो भाई, मैं उधर कर रहा है निकल। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आ गए जल्दी आओ। अरे तुझे क्या हुआ बेटू? फॉग है, फॉग है। द नेक्स्ट डे इट्स चेक आउट टाइम, सब सामान वापस अंदर रख रहे हैं। सो आर अनदर ब्यूटिफुल ट्रिप हैज कम टू एन एंड, एंड बहुत ही अमेजिंग था। इट वॉज निखिल्स बर्थडे, तो हमने घर में सेलिब्रेट किया, फिर हम लोनावला आए। थोड़ा सा सीन हो गया था जो विला हमने बुक किया था उसको लेकर, पेट को लेकर, जो कि मुझे बहुत ही छोटा सा एकदम वो लगा माइंडसेट, बट ठीक है, इट्स हिज एक्सपीरियंस एंड वॉट वी कुड एक्सपीरियंस, मैं वो बता रही हूँ। बट उसके बाद जब हम अपने विला पर आए तो इट वॉज ओ माई गॉड सुपर ब्लास्ट। स्पेशली द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप वॉज द प्रैंक, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद प्रैंक के बाद जैसे ही मैंने बताया प्रैंक वगैरह, उसके बाद तो सब लोग एक दूसरे का इतना मजाक उड़ा रहे थे, इतना मजाक उड़ा रहे थे कि हर्ष ये बोल रहा था तो ये बोल रहा था, लाइक बहुत फनी हो गया था वो, बहुत ही अच्छा था। एंड उसके बाद डिनर वगैरह, फिर आज रिटर्न हो रहे हैं, अभी हम लोग फूड कोर्ट पर रुके हैं इधर लोनावला में, तो यहाँ से कुछ ले लेंगे क्विक स्नैक एंड फिर घर जाएंगे वापस, मम्मी से मिलना है, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एंड या फिर जाएंगे अपने घर। सुपर एक्साइटेड टू मीट मॉम डैड सबको, चलो चलते हैं।